प्रधानमंत्री आवास योजना में बिचौलियों के द्वारा आवंटन के नाम पर की जा रही है पैसों की मांग। गुप्त न्यूज संग्रामपुर, जितेंद्र पाठक की रिपोर्ट। संग्रामपुर प्रखंड के दीदारगंज पंचायत के वार्ड संख्या 3 सुखदेव नगर में विकास मित्र मंजू देवी के द्वारा पति रोहित कुमार के द्वारा सभी लाभार्थियों से प्रधानमंत्री आवास आवंटन के नाम पर 15,000 रुपये की मांग की जा रही है। विकास मित्र का कहना है कि बिना पैसा दिए किसी भी लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटन नहीं किया जाएगा। अभी हम संग्रामपुर प्रखंड के दीदारगंज पंचायत में हैं, जहां पे सुखदेव नगर है, और यहां के लोगों का कहना है कि इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास के नाम पर इनसे 15,000 रुपये की मांग की जा रही है। यहां तक कि यहां के ग्रामीणों ने बताया कि इनका फ़ोटो जो खींचने के लिए आता है वो भी 500 रुपया लेता है। क्या नाम हुआ आपका? वासुदेव मांझी। वासुदेव मांझी, अच्छा, तो कौन पैसा मांग रहा है आपसे? विकास मित्र। क्या नाम है उनका? मंजू देवी। विकास मित्र का नाम मंजू देवी है? हाँ। उसके पति का नाम? रोहित मांझी। अच्छा, तो वो आप लोगों से जो है पैसे की मांग कर रहा है कि पैसा दीजिए तब फिर मतलब काम होगा, अलॉटमेंट आएगा। मेरा लड़का बोला कि बाबू से बात करो, तो बोला कि बाबू से क्या मतलब है? इधर देख के बात कीजिए। हाँ, क्या बोला हूँ? बाबू से क्या मतलब है, कॉलोनी लगा आप तो आप बात करिए हमसे। अच्छा, और तुम्हारा क्या नाम हुआ? बुधो। क्या बताया कि मतलब जब मकान का जो है तीनों किस्त आते आते कितना पैसा देना है तुमको? नहीं, मेरा भाई का मकान है। हाँ, नहीं, मैं इसका बड़ा भाई है। अच्छा, कितना? अब आएगा वही बताएगा ना। अच्छा, लेकिन पैसे की मांग सबसे की जा रही है? सबसे पैसे मांगा जा रहा है। बिना पैसा का नहीं होगा? नहीं होता। ठीक, इसकी सूचना जो है कभी प्रखंड विकास पदाधिकारी या और किसी को, या इसकी जानकारी आप लोगों ने दिया है? नहीं दिया है। ठीक, मुखिया को दिया है? मुखिया से दलिए देख लो ना, मुखियों का कि 10,000 लेते मुखिया। अच्छा, मुखिया 5,000 10,000 दतारो बढ़िया से। मुखिया भी यही कह रहा है कि 10,000 रुपया जो है सो दतारो। अच्छा, बात से हम गया तो मुखिया भी बोला कि 10,000 लगेगा। मुखिया भी बोला कि 10,000 लगेगा तब काम होगा। हां, ठीक,